अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित दस्तावेज में सभापतन पर रखता हूँ जो निकटम कुंडली और पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड से संबंधित है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेज को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 डॉक्टर संजीव कुमार बलियान। परमिशन आई राइज टू ले द पेपर लिस्टेड अगेंस्ट माय नेम एट सीट नंबर 4 × 2 इट इज रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस। आइटम नंबर 5 श्री नित्यानंद राय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या पर मेरे 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभापटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय अर्जुन मेघवाल जी और मंत्रियों को बताया करो कि कभी भी जब समय पटल पर रखने वाले या तो उपस्थित रहे, आपको अधिकृत करके जाएं। जी जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे साथी कैलाश चौधरी, जो एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर में मंत्री हैं, उनके नाम के आगे जो दस्तावेज अंकित हैं, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 7 अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आइटम नंबर 7 तो मैंने अभी पुट 6 बोला था आपने, 7 भी बोल दो आप ही। ठीक है, नहीं अब 7 बोला है मैंने, 6 अब बोलता हूँ मैं। जो हमारे शोभा जो मंत्री हैं एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की, उनके नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है क्रम संख्या 6 पर, उनको सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 8 श्री ए नारायण स्वामी। स्पीकर सर, विथ योर काइंड परमिशन आई ले दी पेपर मेंशन्ड अगेंस्ट माय नेम एट सीएल नंबर 8 ऑफ टुडेज रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस बोथ इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन सर। थैंक यू सर। आइटम नंबर 9 श्री बीएल वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की कार्य सूची में क्रम संख्या 9 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमांक हिंदी और अंग्रेजी में सभापटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10 श्री अजय कुमार। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 11 प्रतिमा भौमिक। आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रमांक संख्या 11 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 12 डॉक्टर एल मरुगन। काइंड परमिशन आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस द पेपर्स मेंशन्ड अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 12 ऑफ टुडेज रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस। आइटम नंबर 13 श्री प्रहलाद जोशी जी। सर, आई राइज टू मूव द फॉलोइंग दैट दिस हाउस डू एग्री विद द 13। ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी सर वही बल। आई राइज टू प्रेजेंट द 37th रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। आइटम नंबर 14 श्री हरीश त्रिवेदी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्य सूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 14 पर यथा सूचीबद्ध याचिका समिति का 35वां 36वां 37वां 38वां 39वां 40वां एवं 41वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 15 श्री जयंत सिन्हा जी। आई टू प्रेजेंट अ कॉपी ऑफ द 52nd रिपोर्ट हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस ऑन द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2022 एज लिस्टेड अगेंस्ट माई नेम एट सीरियल नंबर 15 इन टुडेज रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस। 16 श्री संतोष कुमार गंगवार जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से आज की कार्य सूची में क्रम संख्या 16 पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 173वें 174वें और 175वें प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। आइटम नंबर 17 श्री अधिरंजन चौधरी जी।
Sir, I beg to lay on the table a copy each of the 214 and 241 reports, Hindi and English version, of the Standing Committee on Home Affairs as mentioned in today's list of business against my name. Thank you, sir. Item number 18, Sri Tapir Gaon. Honorable Speaker, sir, I raise to lay on the table a copy each of the 328, 329, 330, 331, and 332 report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 18 in today's order paper. Thank you. Item number 19, Sri Pahla Singh Patel. अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 के बारे में कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 20, श्री डॉक्टर एल मुरुगन। Respected Speaker sir, with your kind permission, I rise to make a statement mentioned against my name at serial number 20 regarding the status of implementation of the recommendations, observations contained in the 34 report of the Standing Committee on Communication and Information Technology on the demands for grants 2022-23 pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thank you, sir. Item number 21, Sri Adhiranjan Chaudhary ji, Business Advisory Committee, Committee Report. Sir, that this House do agree with the 36th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 12th December 2022. Bolla Joji, today is little magnanimous upon me. First, he is generous upon me today. Ye Sabha Karya Mantrana Samiti Dinak 12-12-2022 ko Sabha mein prastut 36ve se prativedan se sahmat hain. Jo sadasya iske paksh mein haan gaye hain, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हावालोक के पक्षमा प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जो भी माननीय सदस्य 377 के अधीन मामले उठाना चाहते हैं, वो 20 मिनट में सदन के पटल पर रखने की उनको इजाजत दी जाती है। आइटम नंबर 23-24, अनुदानों की अनुरक मांगों, अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के संबंध में शून्यकाल माननीय मंत्री जी के जवाब के बाद शून्यकाल होगा। श्रीमती मौवा मोइत्रा। Honorable Speaker, sir, on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, I rise to speak on the additional demand for grants 22-23. I begin by quoting the author Jonathan Swift. As the vilest writer has his readers, so the greatest liar has his believers. And it often happens that if a lie be believed for only 1 hour, it has done its work. Falsehood flies and truth comes limping after it. This government has us believe every February that this country's economy is going great guns. We are the fastest growing, most efficient global player. Everyone is getting employment. We are getting gas cylinders. We are getting electricity. We are getting pakka houses. This falsehood flies for about 8 to 10 months, and then the truth comes limping after it. And now we are in December, and the government says it needs another 3.26 lakh crores of additional funds over and above the budget estimate. The government and the ruling party coined the term Pappu,